हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई विश जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो सभी इस साल गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनने वाले हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर कर दीजिए कि बाकी लोग भी इसको देख सकें। हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। आज हम देखेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। जैसा कि आपने स्पॉट वेल्डिंग देखा था, स्पॉट वेल्डिंग में आपने क्या देखा था कि जब हम किसी मेटल शीट को ज्वाइन करना हो, वेल्डिंग करना हो, तो वहां पे हम उस मेटल शीट को दो आसपास रख करके किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हम वेल्ड कर प्रेशराइज कर देते थे। बीच के एरिया को गर्म कर दिया, ऊपर से प्रेशराइज कर दिया, जैसे ही प्रेशर आ गया तो बीच में जाके उतने जगह पे ये जुड़ गया। अब स्पॉट वेल्डिंग का ही एक टाइप है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। मतलब अब हम इसी को थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे और ज्यादा विस्तार से देखेंगे। अब मान लीजिए ये दो सतहें हो, एक मेटल पीस ये है हमारे पास, एक मेटल पीस ये है। अब इसमें बीच के इस सेंटर पे हमको जोड़ना हो और हमने इसको जब ऐसे ढक दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि बीच का वो सेंटर कितनी जगह पे है, किस दूरी पे है? नहीं पता चल पाएगा। इसके लिए, इस और ज्यादा इजीली इस चीज को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। जब हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग करेंगे तो ये सतह जो जिसके जगह पे हमको चाहिए है वो जगह हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे और उस पर मार्क कर लेंगे। अब वो करते कैसे हैं ये हम अभी पढ़ते समय देखेंगे। जैसे ही हमने इसको कर दिया तो अब जब स्पॉट हमको डालना है, हमें वेल्डिंग करनी है, तो वो जगह एग्जैक्टली सेम उसी जगह पहुंचेगी जहां पे हमें वेल्डिंग करनी। तो अब स्पॉट वेल्डिंग से आगे बढ़ते हुए हम आ रहे हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग की तरफ। चलिए स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग से। प्रोजेक्शन वेल्डिंग अब प्रोजेक्शन वेल्डिंग मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बताया, इट इज ए टाइप ऑफ किसका टाइप है, स्पॉट वेल्डिंग का टाइप ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। पहला पॉइंट आपको मिल गया कि ये एक स्पॉट वेल्डिंग का टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हमने दूसरा क्या बोला, जब आज जिस जगह पे स्पॉट वेल्डिंग कॉम्प्लेक्स हो उस जगह पे इसको करना इजी हो जाता है। इट इज इजी वेयर, कहां पे, जहां पे स्पॉट वेल्डिंग इज कॉम्प्लेक्स, जहां पे स्पॉट वेल्डिंग कॉम्प्लेक्स हो। आइए नेक्स्ट हम क्या देखें, दो पॉइंट्स के बारे में हमको पता चल चुका है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। अब हम करते क्या हैं? मैंने सबसे पहले आपसे कहा था पढ़ते समय, वेल्डिंग स्टार्ट करते समय कुछ चीज़ों को हम इमेजिनेशन में लेके चलेंगे और ज़्यादातर चीज़ों को हम नाम से समझेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रक्षेपण। क्या मतलब होता है प्रक्षेपण? प्रक्षेपण मतलब मान लीजिए ये एक सतह है आपकी, सिंपल सतह से जब हम किसी एंगल पे कोई चीज फेंकते हैं तो वो उतने एंगल पे जाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आगे जाने के बाद मुड़ जाती है। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हमने बना दिया तो अब वो क्या होगा, वेल्डिंग में आएगा। कैसे आएगा ये देखा जाए। हम करते क्या हैं, सबसे पहले एक मेटल शीट ले लेते हैं।
मान लीजिए ये बड़ी मेटल सीट थी पूरी सीधी सीधी, मैंने इसको क्या कहा, जिस जगह पे हमको स्पॉट्स डालने हैं, जिस जगह पे हमको स्पॉट डालने हैं उसने उस जगह को पहले ही वेल्ड कर दिया, यहाँ से प्रेशर दे करके उतने हिस्से को मोड़ दिया। मान लीजिए हमें इसी जगह पे वेल्ड डालना हो तो हमने इसको छेद बनाने के लिए इसमें क्या कर दिया, ऊपर से प्रेशर डाल दिया, तो ये अंदर के साइड मुड़ जाएगा, तो ये अंदर के साइड मुड़ गया। अब आपको एग्जैक्ट पता हो गया कि किस जगह पे स्पॉट डालने हैं। जो जगह उठी हुई है ये उठे हुए सरफेस को क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट सरफेस, प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड सरफेस। उभरा हुआ सतह जो है ये, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टेड सरफेस। इसी सरफेस पे अब क्या होगा, हीटिंग होगी। अब पूरे मेटल पे हीटिंग हो ना हो, इतने सरफेस पे खास हीटिंग होगी। कैसे होगी अभी सब समझेंगे। जब ये हीटिंग करेगा, हीटिंग करने के बाद जिस मेटल सरफेस से हमको जोड़ना है, मान लीजिए हमें इसके आगे कोई मेटल हमने लग दिया, इस मेटल पे जब हम इसको रखेंगे तो ठीक इसी पॉइंट पे जैसे ही आप प्रेशर डालेंगे तो ये सरफेस क्या होगा, गर्म होने के कारण ऊपर के साइड दब जाएगा। ऊपर के साइड क्या होगा, दब जाएगा, ये ऊपर दबेगा और इसके साथ जाके कुछ मिलता हुआ ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे देख लेते हैं, समझ लीजिएगा। अब क्या हुआ, ये ऊपर के हिस्से से दबा तो, लेकिन पूरा पूरा तो नहीं दब सकता, ये नीचे के हिस्से को भी कुछ दबाएगा और नीचे के हिस्से को दबाएगा तो कुछ नीचे भी एडजस्ट हो गया, कुछ ऊपर एडजस्ट हो गया, और कुछ हिस्सा मतलब जो इतना ज्यादा स्लोप हुआ करता था, इसमें इतना ज्यादा जो दबाव आ गया था, अब वो क्या हो गया, कुछ लगभग सीधे के बराबर हो गया, लगभग सीधे के बराबर हो गया। बाकी जो भी चीजें जो कम ज्यादा होती हैं वो फिनिशिंग से कैसा ही करी जाती हैं। तो वेल्डिंग का प्रोसेस आपका पूरा हो गया। अब इसी चीज को हम पूरा समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, इसी में अभी आपने देखा था वेल्डिंग पे क्या कर दिया गया था, प्रोजेक्शन डाल दिया गया था, मेटल सीट पे एक प्रोजेक्शन या एक उभार डाल दिया गया था। इसी उभार को, इसी डेंट को हम स्पॉट वेल्डिंग की तरह यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन स्पॉट, जिस जगह पे प्रोजेक्शन करना है या स्पॉट डालना है उस जगह पे हमने प्रोजेक्शन स्पॉट, इज मेड बाय प्रेशर, प्रेशर डाल के हमने ये प्रोजेक्शन स्पॉट बना दिया, लेकिन कहां पे, बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग करने से पहले ही बना दिया है, बिफोर वेल्डिंग, आगे वेल्डिंग करने से पहले बना दिया, तो बनाया कहां पे है, एट ए मेटल शीट, मेटल शीट के ऊपर हमने बना दिया, वेल्डिंग एट ए मेटल शीट। अब आगे समझिएगा, अब इसी में हमने दो टाइप्स पढ़ रखे थे, दो टाइप्स कौन कौन से थे, सिंगल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग, डबल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सिंगल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग, समझिएगा थोड़ा सा। हमें करना क्या है प्रोजेक्शन के लिए, स्पॉट वेल्डिंग में आपने क्या देखा था, दो मेटल शीट्स होती थी, स्पॉट वेल्डिंग में आपने क्या देखा था, दो मेटल शीट्स होती थी, दोनों को इलेक्ट्रोड की तरह बना देते थे, दोनों को गर्माते थे, चपका देते थे, यही किया जाता था। अब इसी में सेम प्रोसेस इसमें भी वैसे ही रहेगा, एक मेटल शीट मैंने कह दिया ये हिस्सा है, दूसरी मेटल शीट मेरी ये हिस्सा है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर इन दोनों मेटल शीट पे आपको ठीक इसी पॉइंट पे जोड़ना हो तो आपको इधर के सरफेस से देख के कैसे पता चलेगा कि ठीक इस जगह आप पहुंच चुके हैं, नहीं पता चलेगा ना। मैंने कहा अब ये दो शीट्स हैं आपकी, एक शीट हमारी ये हाथ है, एक शीट ये हाथ है,
इसमें ठीक इस जगह पे हमको स्पॉट डालना हो तो इधर से देख के क्या हम बता पाएंगे कि हम इस जगह पहुंच चुके हैं? सही नहीं बता सकते ना। तो हमने क्या किया, अब इधर से हमने पहले से प्रेशर डाल करके इधर कीली से या किसी चीज़ के थ्रू हमने ठोक करके इसके सरफेस को उभार दिया। वो सरफेस जब पहले से उभर गया है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ प्रोजेक्शन आ गया। हमने इधर से पहले से प्रेशर डाल करके इस सरफेस को हमने क्या कर दिया, उभार दिया। इसको कुछ इधर से ऐसे उभार दिया, इसको इधर से ऐसे उभार दिया, दोनों साइड से बराबर से। उभार दिया, वैसे ही इधर भी ऐसे ही करेंगे। दोनों साइड से उभार दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को एज ए इलेक्ट्रोड, जैसे उसमें बना रखे थे इलेक्ट्रोड, वैसे ही यहां पे भी सप्लाई दे करके इलेक्ट्रोड्स बना रखेंगे। अब जब दोनों को पास पास लाया जाएगा तो आप सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप जानते हैं जहां पे लूज कनेक्शन होता है वहीं पे स्पार्किंग होती है, वहीं पे तार गर्म होते हैं। तो ये दोनों सरफेस ऊपर नीचे आपस में लूज कनेक्शन है कि नहीं है? एक को मैंने फिक्स का कॉन्टेक्ट कर दिया, एक को मूविंग कॉन्टेक्ट कर दिया। जैसे ही इसको पास लाने की कोशिश करेंगे, ये दोनों आपस में टच करेगा तो वहां लूज कनेक्शन बनेगा। जैसे ही लूज कनेक्शन बनेगा तो गर्मी आएगी कि नहीं आएगी? अब ध्यान देने वाली बात क्या है, गर्मी पूरे सरफेस पे आएगी केवल इतनी जगह पे आएगी? आती तो पूरी जगह है लेकिन इस जगह पे कुछ ज्यादा ही आएगी। मान लीजिए एक लंबा तार हो, जिस जगह से लूज कनेक्शन हो तो जिस पॉइंट से लूज होता है वहां पे सबसे ज्यादा गर्म होता है, तार के पिछले हिस्से पे कम गर्म होता है, होता है ना? तो वैसे ही इस जगह पे सबसे ज्यादा गर्मी आएगी और बाकी जगह पे गर्मी कम रहेगी। होगा क्या इससे, जैसे ही अब आप गर्म हो गया है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है, अब आप इसको पास पास सटा देंगे, ऊपर से क्या कर देंगे, प्रेशर डाल देंगे। प्रेशर, जैसे ही आप इस पे प्रेशर डालेंगे तो ये करेगा क्या, ये नीचे वाला सरफेस था, ये वाला सरफेस नीचे का है, करेगा क्या, ऊपर वाला सरफेस इसके साथ आके वेल्ड होगा। पास पास आके बिल्कुल वेल्ड होने लायक हो गया। अब जैसे ही ये जुड़ेगा, इन दोनों के सरफेस पे जुड़ेगा, तो कुछ हिस्सा इसके भी अंदर दबाएगा कि नहीं दबाएगा, दूसरी शीट को भी कुछ ना कुछ प्रेशराइज करेगा, प्रेशर करेगा, तो ये ठीक इधर से इसको पास करते हुए इधर से ही दब जाएगा। इतना बड़ा पूरा नहीं दबेगा, कुछ हिस्सा ऊपर भी भागेगा, कुछ नीचे आया है तो कुछ ऊपर भी जाएगा। इधर भी वैसे ही कुछ नीचे आया है तो कुछ ऊपर भी जाएगा और दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब ये पहले ज्यादा बेंड था तो अब ये कम बेंड बनेगा, बिल्कुल हल्का बेंड, और दोनों आपस में शीट्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। इसे ही कहा जाता है सिंगल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग। नाम से कहा था मैंने याद रखने के लिए, तो याद कैसे रखना है, सिंगल प्लेट। तो केवल प्रोजेक्शन जो दे रहे हैं हम, वो केवल एक प्लेट में दिया जाएगा। क्या कहा मैंने, जब सिंगल प्लेट की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन कहां दिया जाएगा, केवल एक प्लेट के ऊपर दिया जाएगा, दूसरे पे नहीं दिया जाएगा। एक प्लेट को मैंने फिक्स कर दिया, दूसरे को मैंने क्या कर दिया, मूविंग कर दिया। एक फिक्स हो गया, दूसरा मूविंग हो गया, दोनों फिक्स और मूविंग मिल करके, मतलब जैसे ही हम प्रेशराइज करेंगे, एक साइड से मैंने प्रेशर डाल रखा है तो ये आपस में क्या होगा, बाद में जाके जुड़ जाएगा। इतनी चीजें अगर क्लियर हो तो अब इसके बारे में सिंगल प्लेट से रिलेटेड पॉइंट्स लिख लिए जाएं। क्या क्या पॉइंट्स हैं ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ लेगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है ये सब चीज बताइए। आपसे पूछा जाएगा अगर एक मोटी प्लेट हो और एक पतली प्लेट हो, एक की थिकनेस ज्यादा हो एक की थिकनेस कम हो, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेल्ड, मतलब वेल्डिंग करते समय प्रोजेक्शन किस प्लेट पे दिया जाएगा, वेल्डिंग करते समय प्रोजेक्शन किस प्लेट पे दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, इफ क्या कह रहा है,
अगर दो अलग अलग डिफरेंट थिकनेस की प्लेट हो, इफ टू डिफरेंट थिकनेस प्लेट, अगर दो डिफरेंट थिकनेस की प्लेट्स हैं तो देन प्रोजेक्शन इज कहां दिया जाएगा, पतली प्लेट के ऊपर दिया जाएगा, इज अप्लाइड थ्रू अब आप लोग खुश हो सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मोटी प्लेट में डेंट मारना ज्यादा आसान है कि पतली प्लेट में डेंट मारना ज्यादा आसान है, मतलब अगर आपको पतली प्लेट छेद करनी हो तो ज्यादा जल्दी हो जाएगी कि मोटी प्लेट जल्दी होगी, जरूरी सी बात है पतली प्लेट होगी, तो इसलिए प्रोजेक्शन देते समय हम पतली प्लेट में प्रोजेक्शन पहले देते हैं। अगर दोनों बराबर हो तो किसी में भी आप दे सकते हैं, दोनों सीट्स बराबर हों तो आप किसी में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मोटी पतली है तो किस में देंगे, पतले वाले में देंगे। एक पॉइंट समझ में आ गया, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब मान लिया दोनों प्लेट बराबर की है, दोनों प्लेट बराबर की है लेकिन कह दिया अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है, दोनों अलग अलग कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, तो किस प्लेट में प्रोजेक्शन देंगे, अब देखते हैं। If two different दो अलग अलग two different conducting metal plate, अब क्या किया हमने, दो डिफरेंट कंडक्टिंग मेटल प्लेट अगर होगी तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन किस में देते हैं, ये आप लोग सोचिए, खुद से सोचिएगा। अगर कंडक्टेंस ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगी, ज्यादा फ्लो करेगी, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, और ज्यादा फ्लो करेगी तो ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा तो जितनी ज्यादा गर्म होगा, जो सीट को हमें ज्यादा गर्म करना है उसी को हमें करना पड़ेगा, तो किस में अप्लाई करें, हायर कंडक्टिंग प्लेट्स पे, देन प्रोजेक्शन इज कहां देंगे, इज अप्लाइड थ्रू हाई कंडक्टिव प्लेट। हाई कंडक्टिव प्लेट पे अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन देंगे। अब एक बार फिर से पूरा देख लिया जाए, हमने क्या बताया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है, सबसे पहले आपको पता चला ये एक टाइप का स्पॉट वेल्डिंग है। नेक्स्ट आपको क्या पता चला कि आपने देखा जब आपको जहां पे स्पॉट वेल्डिंग करना कठिन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पे प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है, आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पता चला कि इसके अंदर जो भी, मतलब सिंगल प्लेट और डबल प्लेट की बात कर रहे हैं, तो जब हम सिंगल प्लेट की बात कर रहे हैं, सिंगल प्लेट का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केवल एक प्लेट पे प्रोजेक्शन दिया जाएगा, दोनों पे नहीं दिया जाएगा। सिंगल प्लेट की बात कर रहे हैं तो अगर प्लेट्स हमारी सेम मटेरियल की हो, सेम कंडक्टिंग मटेरियल की हो, तो आप किसी पे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर थिकनेस एक मोटा प्लेट हो, एक पतला प्लेट हो, तो किस में प्रोजेक्शन देंगे, हम पतली प्लेट में प्रोजेक्शन देंगे। अगर एक कंडक्टिंग मटेरियल ज़्यादा कंडक्टिव प्लेट है और एक कम कंडक्टिव प्लेट है, मतलब दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग है, तो उस केस में जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, जो ज्यादा कंडक्टिव होगा, उसमें प्रोजेक्शन दिया जाएगा। अगर प्रोजेक्शन वेल्डिंग, मतलब एक बार में हमने एक चीज में कई सारे डेंट एक साथ डाल दिए,
मान लीजिए हमने एक यहां डाल दिया, एक यहां डाल दिया, इसी तरह कई सारे डेंट एक बार में डाल दिए, तो एक बार में पूरे के पूरे स्पॉट्स एक बार में वेल्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जैसे ही आपने इसमें वेल्डिंग करी तो सारे वेल्ड एट ए टाइम एक बार में हो जाएंगे। तो स्पॉट वेल्डिंग से फास्ट काम करेगा कि नहीं करेगा? ये बिल्कुल काम करेगा। इट इज फास्टर देन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग से तो तेज है, पता चल गया। अब है कैसे? कई सारे स्पॉट्स को ये क्या कर रहा है? एक टाइम पे एक साथ वेल्ड कर रहा है। इट इज कैपेबल टू वेल्ड क्या? मैनी स्पॉट्स एट ए सेम टाइम, एक समय पे एक साथ बहुत सारे स्पॉट्स को ये क्या कर देगा? वेल्ड कर देगा। अभी तक आपने ये तक नहीं सोच पाए होंगे कि इसमें ये हिस्सा गर्म क्यों हो रहा है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा जब हम पर्क्यूशन वेल्डिंग खत्म कर रहे होंगे या रेजिस्टेंस वेल्डिंग खत्म कर रहे होंगे। अभी तक तो आप ये सोचे भी नहीं होंगे और यहीं से फर्क पता चलता है। चैलेंज कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग में इतने डिटेल में नहीं बताया जाता। अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? सिंगल प्लेट के बाद नेक्स्ट का टॉपिक था डबल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग। क्या टॉपिक था? डबल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? डबल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में, डबल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग। डिफरेंस नाम मैंने कहा था, नाम से याद रखिएगा। तो यहां पे क्या आ गया? डबल। अब जब प्रोजेक्शन देना है तो इसमें दोनों ही प्लेट पे प्रोजेक्शन दिया जाएगा। पहला प्लेट मैंने कह दिया ये है, दो प्लेट्स हो गई, प्लेट वन प्लेट टू, पी वन पी टू। अब ध्यान देने वाली बात है, डबल प्लेट प्रोजेक्शन तो हमने दोनों ही प्लेट्स में ये उभार बना दिए, डेंट हमने दोनों ही जगह पे डाल दिया दोनों प्लेट्स में। अब जब आप इसमें सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रोड आप अप्लाई करेंगे, आगे जाके सप्लाई दे देंगे, जैसे ही इसमें सप्लाई आएगी तो कंडक्टिंग हो जाएगा, दोनों कंडक्टिंग हो जाएंगे, दोनों आमने सामने देखिएगा, ये दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब करंट दोनों के थ्रू पास होगी। जब इस सरफेस से ज़्यादा करंट पास होगी, इस जगह से ज़्यादा करंट पास होगी, तो यही हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म करेगा कि नहीं करेगा? स्पार्किंग, तार जहाँ पर स्पार्क करता है, जहाँ पर ढीला लूज होता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा तार गर्म होता है। तो इसी तरह से ये तार समझ लीजिए, दो तार हैं जो लूज हैं, दूर दूर हैं, थोड़ा दूर दूर हैं, टच हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं, तो इससे ये क्या होगा? स्पार्क करेगा। अगर ये स्पार्क करेगा तो सबसे ज्यादा गर्मी इसी जगह पे डेवलप होने वाली है। जब ये गर्म करने लगा, अब मेटल क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा। अब गर्म होगा तो अभी भी वह सेम प्रोसीजर है, अभी भी एक हिस्से को फिक्स रखे हैं, दूसरे हिस्से को दबा रहे हैं, ऊपर से हम इसको दबाना चालू करेंगे। दोनों ही, अब यहां से फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने क्या कह दिया? प्लेट्स के अंदर जैसे ही आपने प्रेशर दिया, ऊपर से आपने प्रेशर डाला, नीचे से प्रेशर है, दोनों साइड से प्रेशर डालने के बाद ये बीच के हिस्से क्या हो गए? फ्लैट हो गए।
जैसे ही ये फ्लैट हुआ, आपस में दोनों फिक्स हो गए, एक साथ जॉइंट हो गए, तो ये आपकी वेल्डिंग प्रोसेस क्या हो गई, फुलफिल हो गई। मेन डिफरेंस दोनों के बीच में, मेन डिफरेंस क्या कहता है कि पहले हिस्से में, पहले वाले में क्या था, जो आप प्रोजेक्शन दे रहे थे किसी एक प्लेट पे दे रहे थे, अब इसमें क्या हो गया, दोनों प्लेट्स में प्रोजेक्शन दिया जाएगा। क्या कह रहा है पॉइंट, प्रोजेक्शन स्पॉट इज फॉर्म्ड, बनाया जाता है फॉर्म इन बोथ ऑफ मेटल शीट, इन बोथ ऑफ मेटल शीट लीजिएगा। अभी आप मेटल शीट में एक मूविंग जो बना रहे थे, जो मूवेबल बना रहे थे या प्रोजेक्शन दे रहे थे, वो किस में दे रहे थे, या तो कम अधिक कंडक्टिव वाले पे या पतली शीट्स पे। अब इसमें किसी भी शीट को आप मूवेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह दिया, एनी ऑफ मेटल शीट, कोई भी मेटल शीट इज मूवेबल एट एनी टाइम, किसी भी समय पे कोई भी शीट को आप मूवेबल बना सकते हैं। एनी ऑफ मेटल शीट इज मूवेबल एट एनी टाइम, किसी भी समय पे कोई भी मेटल शीट को मूवेबल आप बना सकते हैं। अगर ये बातें क्लियर हो तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस तो पता चल गया, सिंगल प्लेट में, डबल प्लेट में। अब हम दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स देख लें। अब मान लीजिए अगर स्पॉट वेल्डिंग में हम प्रेशर दे रहे थे तो एक स्पॉट इलेक्ट्रोड होता था, मतलब जो इलेक्ट्रोड होता था वो पॉइंटेड होता था कि नहीं। अगर हम यहां पॉइंटेड बनाएंगे तो क्या प्रेशर करते समय एक बराबर से ही दबेगा, नहीं दबेगा। तो अब फर्क क्या हो जाएगा ये थोड़ा सा समझिएगा। दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट, इसको आप वहां पे भी लिख सकते हैं जहां सिंगल प्लेट हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले दो पॉइंट लिखवाए थे, इन पॉइंट्स को वहां भी नोट कर सकते हैं जहां सिंगल प्लेट स्टार्ट किए थे और दो पॉइंट लिखवाए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रोड्स। अब इस पे जो हम इलेक्ट्रोड्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड प्लेट्स जो हम लगा रहे हैं, वो कैसी बनेगी, इसकी फ्लैट बनेगी। जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स होंगी वो कैसी होंगी, फ्लैट प्लेट, चपटी हुई प्लेट इज यूज्ड एज किसके लिए, इलेक्ट्रोड। फ्लैट प्लेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड बनाते समय हम वो इलेक्ट्रोड कैसा बनाएंगे, फ्लैट प्लेट बनाएंगे, जिससे जब हम सरफेस को दबाएं तो पूरा सरफेस एक बराबर से प्रेस हो। ये जो स्पॉट्स आ रहे हैं इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर तक होते हैं, इसके बाहर नहीं होते। तो हम जब प्लेट्स दबाते हैं या बनाते हैं तो ये फ्लैट प्लेट इतनी बड़ी होती है कि ये सारे स्पॉट्स उसको कवर कर सकें। तो हम कह सकते हैं फ्लैट प्लेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का काम अब यहाँ पे कौन करेगा, हमारा फ्लैट प्लेट करेगी। स्पॉट वेल्डिंग में कौन कर रहा था, पॉइंटेड इलेक्ट्रोड था। सीम में कौन था, रोलर था, रोलर से ही इलेक्ट्रोड का काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैट प्लेट हो गया। डिफरेंस समझ में आ गया। अगर इतनी चीजें क्लियर हो तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका यूज कहां करते हैं। अब खुद सोचिएगा क्या ये एयर टाइट होगा, बिल्कुल होगा। कई सारे स्पॉट्स आ गए, सीम वेल्डिंग में भी आपने देखा था कई सारे स्पॉट्स आ गए, कई जगह से जुड़ चुका है, तो अब इसको फिक्स करना, बांधना आसान है। तो जैसे टैंक का इस्तेमाल किया गया था तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते थे, वैसे ही यहां पे भी कुछ आएगा। पहला,
रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर के जो कंप्रेशर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर कंप्रेशर्स आर वेल्ड विद प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग से ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस वायर वेल्डिंग। अगर इतनी चीजें क्लियर हों तो अब हम नेक्स्ट आएंगे बट वेल्डिंग के ऊपर। आपने देख लिया है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब हम नेक्स्ट आएंगे बट वेल्डिंग के ऊपर। लेकिन उसको हम स्टार्ट करें उससे पहले हम जानेंगे कि लाइफ में आपने लास्ट मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गोल्स बनाए और हमको दिखाए। गोल्स तो आप बनाइए लेकिन गोल्स की प्रायोरिटी भी डिसाइड करिए। कौन सा गोल किस क्रम में आएगा, किसके बाद आएगा, ये भी बहुत जरूरी है। बिना गोल बनाए आप किसी भी रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए लाइफ में एक गोल, एक टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।